गाइस क्या आप भी अपने बढ़े हुए थाई फैट से, ग्लूट के फैट से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? तो डेफिनेटली आपको आज के मेरा ये होम वर्कआउट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसको फॉलो करने के बाद में 20 डेज में आपको आपके थाइस में ह्यूज डिफरेंस मिलेगा, चाहे वो आपके इनर थाई का फैट हो या फिर आपका बट्स फैट हो या आपका ओवरऑल लोअर में जितना भी फैट है वो आपको बहुत अच्छे से रिड्यूस दिखने वाला है। लेकिन बस आपको जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उस वीडियो में, जितनी रिपीटेशन, जितने राउंड्स और करेक्ट पोजीशन आपको फॉलो करनी है तो अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना है अगर आप वेट लॉस प्रोसेस पर हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30% काम करती हैं, बाकी का जो वर्क होता है वो डाइट का होता है। तो डाइट में आपने फैट वाली चीज़ें इंटेक नहीं करनी, जैसे शुगर ज़्यादा नहीं लेना, बाहर का तला भुना नहीं खाना। रात को अगर आप 7 बजे से पहले डिनर कर रहे हैं तो आप रोटी चावल ले सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद डिनर के टाइमिंग्स हैं तो आपने सिर्फ पतली पतली दाल या कोई भी सूप पीकर सो जाना है, क्योंकि उसके बाद का खाना खाया हुआ बस सिर्फ और सिर्फ आपके फैट के रूप में आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जब भी हम लेग का वर्कआउट करते हैं, हमेशा ऑलवेज अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको पहले स्ट्रेचिंग करनी है और उसके बाद भी स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि अगर आप पहले स्ट्रेचिंग करते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी मसल इंजरी नहीं होता, और अगर बाद में स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं ठीक है तो उससे क्या होता है, जो भी आपने थाई वर्कआउट करा सेम डे आपको पेन नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो आप फिर नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं दोनों चीज़ें इसमें शेयर करूंगी, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, फटाफट से ध्यान से सुनना स्टार्ट करो और इन्जॉय करो। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेचिंग में हम क्या करने वाले हैं, बिफोर वर्कआउट जो स्ट्रेचिंग होगी उसमें आपने अपने एंकल को इस तरीके से रोटेट करना है क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर हम 10 टाइम्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अदर लेग पे सेम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में हमने यहाँ पे वॉल का सपोर्ट लेना है, इस तरीके से दोनों हैंड को प्लेस करना है, उसके बाद में अपने लेग को बैक साइड पे लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से 20 टाइम्स। आपका फीट जो है वो मैट से टच नहीं होगा, मेक श्योर 1 2 इस तरीके से आपने 20 टाइम्स आपने राइट साइड करना है, 20 टाइम्स हम करेंगे लेफ्ट साइड। अगेन अदर लेग पे, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी, बस रैप्स होंगे, सेट्स हम इसके नहीं करेंगे क्योंकि ये वार्म अप है। तो इससे करने के बाद आपका ग्लूट, आपके थाई, आपका ओवरऑल जो लोअर बॉडी पार्ट है वो पूरा चार्ज हो गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्क्वाट से। स्क्वाट्स एक ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइज है अगर आपके हिप्स बहुत ज़्यादा फ्लैटन है, डेवलप नहीं हो रहे हैं तो वो डेवलप हो जाते हैं, और अगर आपके फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है तो वो फैट भी आपका धीरे धीरे मसल में कन्वर्ट होने लगता है और आपके लेग्स को एक बहुत अच्छा टोन शेप मिलता है। राइट, तो स्क्वाट्स करने के लिए हम शोल्डर जितना गैप मेंटेन करेंगे अपने पैरों के बीच में, आपकी नीज आगे नहीं जाएंगे फीट से, ठीक है, पीछे रहेंगे, आपने बेंड होना है लाइक दिस। अगेन अप होने के टाइम आप नीज को बिल्कुल ओपन नहीं करेंगे, स्लाइटली बेंड ही रहेगा। जितना आप डाउन जा सकते हैं स्क्वाट्स में उतनी अच्छी बात है। ट्वेंटी टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स के बाद में आपने रिलैक्स लेना है, 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है और इसके हम करेंगे 4 राउंड्स। ठीक है, करेक्ट पोजीशन फॉलो करना, मेक श्योर कि आप नीज को आगे लेके ना जाएं, कुछ भी गलत करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। नीचे जा रहे हैं ब्रीथ आउट, ऊपर आ रहे हैं ब्रीथ इन। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट हम करेंगे वेटेड स्क्वाट्स। ठीक है, वेट लेने से आपका मसल जल्दी बिल्ड होता है और वहाँ का फैट जल्दी रिड्यूस होता है, तो वो ज़रूरी है। अगर आपके पास डंबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप वाटर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, 2 लीटर की या 1 लीटर की। स्टार्टिंग अगर आप 1 लीटर से कर रहे हैं तो उसके बाद उसको इंक्रीज करें और 2 लीटर पर लेकर जाएं। ठीक है, उसके बाद में आपने इस तरीके से होल्ड करना है डंबल को यहाँ से ऐसे, और उसके बाद या वाटर बॉटल को भी, देन उसके बाद सेम स्क्वाट्स आपको परफॉर्म करने हैं। जितना डाउन जाएंगे उतना बेटर है।
24 rounds. रिलैक्स. तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. अब हम करने वाले हैं सुमो स्क्वाट. सुमो स्क्वाट्स में आपको पैरों को इस तरीके से ओपन कर लेना है लाइक दिस, ठीक है. दोनों लेग्स को आपने वाइड कर लेना है. डंबल को आप यहाँ से होल्ड करेंगे. पहले हमने किया था ऐसे, अब हम करेंगे ऐसे, ठीक है. ये नीचे रहेगा और आपकी बॉडी के पास रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं, ताकि आपको वेट फील होना चाहिए. डाउन जाएंगे 20, ब्रीथ आउट, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ब्रीथ इन. 4 राउंड इसके कंप्लीट करेंगे. रिलैक्स. तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वेट ले लेना है. वाटर बॉटल ले सकते हैं या फिर डंबल्स, और दोनों को यहाँ अपने शोल्डर पर प्लेस करना है. उसके बाद में आपने इस तरीके से लेग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है. उसके बाद में आपने नीचे बेंड होना है लाइक दिस, अगेन अप डाउन. ये आपकी ग्लूट की एक्सरसाइज है. आपके जो ग्लूट पे फैट है आपके हिप्स पे, वो रिड्यूस होता है और ग्लूट को बहुत अच्छा शेप मिलता है. 20 टाइम्स, 4 सेट्स. रिलैक्स. तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डंबल के साथ भी करेंगे, लेकिन विदाउट डंबल. सबसे पहले आपको पोजीशन बता देती हूँ. 20 टाइम्स आप करेंगे विदाउट वेट. विदाउट वेट के लिए सबसे पहले आपको ये पोजीशन ले लेनी है, ठीक है. हैंड को आपने इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, लेग्स के बीच में इस तरह से गैप मेंटेन करना है. सेम यही पोजीशन लेना है. देन उसके बाद में हम किक बैक्स करेंगे. किक बैक बहुत अच्छी होती है ग्लूट को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब मसल बिल्ड करना और फैट रिड्यूस करने के लिए. इसके बाद में आपने इस तरीके से अपनी लेग को अप लेके जाना है, देन डाउन. मैट से टच नहीं होगा आपका घुटना, ध्यान रखेगा इस चीज़ का. 20 टाइम्स हम इसे परफॉर्म करेंगे और वन साइड, मतलब 20 लेफ्ट 20 राइट. Again, other side पे same चीज. Relax. यहाँ पे हमने किया normal, अब हम करेंगे weighted kickbacks. तो चलिए अब start करते हैं. हम यहाँ पर weight hold करेंगे. या आप इसके लिए बैंड्स भी आते हैं जो आप फीट में पहन सकते हैं, ठीक है. अपने एंकल में वो वाले बैंड भी ले सकते हैं. अगर वो नहीं है तो इस तरीके से वेट या वाटर बॉटल को होल्ड कर सकते हैं. अब सेम यही पोजीशन रहेगी, किक बैक करेंगे हम 20 टाइम्स ईच साइड 4 सेट्स. 20 टाइम्स के बाद हम 10 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे, देन अगेन इसको फॉलो करेंगे. अदर साइड पे. रिलैक्स. तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल्स ले लेने हैं या फिर वाटर बॉटल, ओके. उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने इस तरीके से खड़े हो जाना है. मैं आपको साइड पोजीशन से दिखा रही हूँ. पैरों के बीच में आपने शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है. उसके बाद में अपने नीज को स्लाइटली सा बेंड करना है. हिप को अपने बैक साइड पे लेके जाना है. देन अपनी बॉडी के साथ लगाते हुए वाटर बॉटल या फिर डंबल को नीचे लेकर जाना है.
लाइक दिस, पूरा स्ट्रेच आपको आपके हैमस्ट्रिंग में फील होगा यहाँ पर, ठीक है, जो आपके वहां के फैट को रिड्यूस करेगा, और जो भी आपकी सैक कर गई है ना स्किन, जैसे कि हमारे बहुत ज्यादा सैक ढीली सी पड़ जाती है थाइस की, तो वो एकदम फर्म हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। 20 टाइम्स हम इसे परफॉर्म करेंगे और इसके करेंगे हम 4 सेट। आपने मतलब ये आइडिया लगाना है कि आपने बिल्कुल पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, जैसे आप किसी को हिप से इस तरीके से, मतलब ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर पोजीशन का आइडिया हो जाए। देन डाउन अगेन स्ट्रेट, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी इवन एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वर्कआउट करने के बाद बहुत मजा आने वाला है और आपकी थाइज में बहुत अच्छा पेन भी हो रहा होगा। ये वाला पेन आपको एक पॉजिटिविटी देगा कि डेफिनेटली आज आपने कुछ किया है, ठीक है। ऐसे कुछ नया देखने के लिए मुझे अपना प्यार देते रहे, मैं हर दिन आपके लिए कुछ नया लाऊंगी, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती रहूंगी। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।